ये साइन अमूमी मैथमेटिकल इस्तेलाम है, आप इसका मतलब इक्वल लेते आए और हम इसको इक्वल बोलते भी हैं, हम अभी भी अपनी अमूमी इस्तेलाम में इसको इक्वल बोल रहे हैं। बट बाय डेफिनेशन प्रोग्रामिंग के अंदर इसका मतलब इक्वल नहीं होता। इक्वल का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, व्हिच इज़ नॉट द केस, राइट। सो यहाँ बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम असाइनमेंट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे जो भी एक्सप्रेशन है, मिसाल के तौर पे वो सिंपल वैल्यू है 48, या वो एक एक्सप्रेशन है जिसको अभी इवैल्यूएट होना है, जैसे डेज माइनस वन लिखा हुआ है, इसको इवैल्यूएट किया जाए और जो भी इसका नतीजा आए उसको लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाए। सो ये जो सिंगल इक्वल ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है, ये इक्वलिटी नहीं बल्कि असाइनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो वी आर सेइंग दैट इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड and assign the result of this expression to the variable on left hand side. Next we have a little quiz. What is the value of R's after running this code? R's ki value shuru mein 9 hai. R's mein hum 1 ka izafa kar rahe hain. R's is equal to R's plus 1. Aur phir R's ko 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यू हैव टू गेस कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यस, द वैल्यू वुड बी 9 थी, 9 में 1 का इजाफा हुआ और उसको दोबारा आर्स में स्टोर किया तो आर्स की वैल्यू 10 हो गई, फिर आर्स को 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा आर्स में स्टोर कर दिया तो 10 इंटू 2 20। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीस। सो हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। आर्स को 9 से हमने स्टार्ट किया, आर्स इज इक्वल टू आर्स प्लस 1 और आर्स इज इक्वल टू आर्स इनटू 2। सो नाउ इफ वी प्रिंट आर्स, दिस इज 20 एज वी एक्सपेक्टेड एंड यू राइट एज यू राइटली गेस्ड। ओके, next we talk about defining variables. For Python to be able to output a result, we need to always define a variable by assigning a value to it before using it. So ये काम अभी तक हम करते भी आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करें तो उससे पहले वो डिफाइन किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट minutes। यू सी, जब मैंने मिनट्स को प्रिंट करने की कोशिश की तो मुझे यहाँ पे एक एरर मैसेज आया, रेड कलर में आपको एक एरर मैसेज रिसीव हुआ विच इज सेइंग नेम एरर। एंड व्हाट इज दैट नेम एरर, ये आगे उसकी डिस्क्रिप्शन है, नेम मिनट्स। प्रॉब्लम क्या था, मैंने यहाँ मिनट्स को प्रिंट करने की कोशिश की थी तो वो मुझे कोट्स में लिख के कह रहा है नेम मिनट्स इज नॉट डिफाइंड। सो बुनियादी तौर पे हमने मिस्टेक क्या की है कि हमने अपना वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। वेरिएबल डिफाइन कैसे होता है, वेरिएबल यूँ डिफाइन होता है जैसे अभी हमने ये लिखा था, यानी मैंने कहा था वेरिएबल नेम वैल्यू पेयर होता है। तो जब तक आप कोई नाम चूज़ करके उसको कोई वैल्यू नहीं दे देते तब तक वेरिएबल डिफाइन नहीं होता, और जब तक आप उसे डिफाइन नहीं कर लेते आप उसको मज़ीद इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। सो This is what defining the variable means. So, अब यहाँ पे देखिए हम minutes को अगर 30 कर दें, ना it's all right, हमने variable को define कर दिया। अब हम minutes में 1 का इजाफा कर देते हैं, it is accepting that, right? और then what we do is seconds is equal to minutes into 60। हम कहते हैं कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ सेकेंड जिस वक्त हमारे पास होंगे वो मिनट्स को 60 से ज़रब देंगे तो आ जाएंगे। अब लाइक अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ लिखूँ सेकेंड्स, सिंपली सेकेंड्स, तो मैं अगेन देख रहा हूँ कि वही नेम एरर मेरे सामने आता है एंड इट सेज
that the name seconds is not defined. Instead of doing this, agar main yun likhun, seconds is equal to minutes plus multiplied by 60, so this will work out. So seconds ke andar minutes multiplied by 60 store ho gaya. And if I now try to print seconds, this will print out the value of seconds for me. So minutes initially had 30, then we added 1 to it, so minutes became 31, and then we multiplied 31 with 60, so 31 with 60 is 1860. And we sum this video up with this little quiz, that write Python code that defines the variable age to be your age in years, and then prints out the number of days you have been alive, right? So we read the statement again, write the Python code that defines the variable age. हमें एक variable age define करना है, to be your age in years, जिसको हम assign करेंगे अपनी उम्र सालों में, and then prints out the number of days you have been alive. और फिर आप print कर सकें, number of days you have been alive, आपने अपनी उम्र basically दी सालों में, और आपको print करनी है अपनी उम्र दिनों में, कि आप कितने दिनों से जिंदा है, right? So we try this. हम एक variable define करते हैं, age, और first करें that someone is 40 years old, right? अब हमें print क्या करना है? We need to print the number of days we have been alive, right? अब इसको अप्रोच करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे हम सिंपली यूं लिख सकते हैं, प्रिंट एज मल्टीप्लाइड बाय 365. हम जानते हैं कि हम अगर हमारी उम्र 40 बरस है और हर साल जो है वो 365 दिनों का होता है, तो 40 सिर्फ 365 करेंगे तो द नंबर ऑफ डेज the person is alive, वो हमारे सामने आ जाएंगे. ये एक अप्रोच है. अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ. Sometimes I see that students write it like this. Now this is pretty useless kind of thing. आपने अपनी उम्र एक वेरिएबल में स्टोर कर ली है. वेरिएबल में आपने इसलिए स्टोर की है ताकि आप उसको नाम से इस्तेमाल कर सकें. अगर आप उसे अभी भी वैल्यू से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेरिएबल डिफाइन करने का कोई मकसद नहीं रहा. लिहाजा आप हमेशा वेरिएबल्स की मदद से ये काम करें, राइट? सेकंड, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि व्हाई नॉट मेक अनदर वेरिएबल व्हिच स्टोर्स द नंबर ऑफ डेज पर ईयर्स. सो फॉर एग्जांपल वी से डेज पर ईयर के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसको एक साल के दिन असाइन कर देते हैं. तो अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, राइट? और अब हम इसको यूं प्रिंट कर लेते हैं, days per year, right? This will also give us the same result, right? So this is pretty subjective कि आपको किस हद तक इस चीज़ को लेके जाना है. Even if you look at this solution, तो यहाँ पे एक variable और बनाया गया है. The approach it has taken is that you need to print the number of days you have been alive. So why not make days alive another variable? And then give it the value age multiplied by days per year, right? So days alive mein ye aa gaya, and now if you print days alive, it prints 40,600, right? So the solutions can vary. आपको कितने वेरिएबल्स बनाने हैं एक प्रोग्राम के अंदर, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, आपकी डिज़ाइन अप्रोचेस में फ़र्क हो सकता है. बट डोंट बी हेजिटेंट, इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दैट यू नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल, क्रिएट इट. दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट मेयरली अ साइंस, व्हिच इज़ मोर ऑफ एन आर्ट. एंड एज यू मूव ऑन, एज योर लर्निंग ग्रोज, आपके जैसे जैसे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस को बढ़ाते चले जाते हैं, आपकी अप्रोच ऑटोमेटिकली रिफाइन भी होती जाती है, और इसके साथ साथ
पर्सनलाइज भी होती चली जाती है। जब बहुत एक्सपीरियंस प्रोग्रामर से भी आप बात करेंगे या उनके कोड्स को देखेंगे या उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे एक ही प्रॉब्लम के, तो आपको उसमें वेरिएशंस नज़र आएंगी। ये बात परेशान कुन नहीं है एज लॉन्ग एज यू ट्राई टू बी लॉजिकल एंड यू ट्राई टू बी नीट एंड टाइडी एंड कैंडिड अबाउट योर सॉल्यूशंस।